समय ना लगाओ ये तय करने में कि क्या करना है, वरना समय तय कर लेगा कि आपका क्या करना है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सत्यम अग्रवाल मोटिवेशनल चैनल में। आज हम आपको भगवान बुद्ध के बारे में, उनके जीवन से जुड़ी एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जिससे आपको काफ़ी सीख मिलेगी, एक जीवन की प्रेरणा मिलेगी। इस वीडियो को पूरा देखें। यह कहानी है भगवान बुद्ध की। भगवान बुद्ध के पास एक आदमी आया जो काफ़ी विचलित था। उसका मन काफ़ी विचलित था, वह स्थिर नहीं था। वह भगवान की खोज में इधर उधर भटक रहा था। कभी हिमालय पर, कभी कंदराओं में, कभी इधर उधर जंगलों में वो भटक रहा था। लेकिन उसको किसी ने गौतम बुद्ध भगवान के बारे में बताया। वह उनके पास गया। उसने कहा, बुद्ध, मुझे भगवान नहीं मिल रहे हैं। मैंने भगवान को कहाँ कहाँ नहीं खोजा, लेकिन मैं उनकी खोज नहीं कर पा रहा हूँ। आप ही कोई रास्ता दिखाइए, मैंने आपका बहुत नाम सुना है। गौतम बुद्ध ने उस आदमी से कहा कि तुम मेरे पास कल ठीक इसी समय सायंकाल में 5 बजे आना, तब मैं तुम्हें बताऊँगा कि आगे क्या करना है। अगले दिन ऐसा ही हुआ। वह आदमी ठीक उसी समय गौतम बुद्ध के पास आया। उसने देखा कि ये क्या, बुद्ध तो कुछ ढूंढ रहे हैं, वो कुछ खोज कर रहे हैं। वो पास गया तो उसने पाया कि बुद्ध किसी मोती की खोज में लगे हैं, जो उनका कीमती मोती कहीं खो गया है, उसकी खोज में लगे हैं। बुद्ध के शिष्य भी उस मोती की खोज में लग गए। तब उस आदमी को लगा कि मुझे भी शायद उस मोती को खोजने में उनकी मदद करनी चाहिए। उस आदमी ने भी उस मोती को खोजा। शाम से रात बीत गई, रात से सुबह हो गई, सुबह से फिर दोबारा शाम हो गई, पर वह मोती नहीं मिला। तब उस आदमी ने कहा कि आप एक बात बताइए कि आपने आखिरी बार, आप इससे पहले कहाँ थे। उन बुद्ध ने कहा कि मैं इससे पहले अपनी कोठरी में था। तो उसने कहा कि जो चीज़ फिर तो आप जो चीज़ बाहर ढूंढ रहे हैं वो चीज़ आपकी कोठरी में ही है, अंदर ही है, आप उसको देखो, अंदर ही होगा कहीं। तब गौतम बुद्ध ने कहा कि यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता था कि जो चीज़ तुम बाहर ढूंढ रहे हो, पूरी सारी दुनिया का चक्कर लगा रहे हो, पर वो चीज़ तुम्हें कभी बाहर मिलेगी नहीं, क्योंकि वो चीज़ तो तुम्हारे अंदर है। जो चीज़ आपके अंदर है वो आपको अंदर खोजने से ही मिलेगी। इस कहानी से आपको यह सीख मिलती है कि आप ज़रूरी नहीं कि भगवान को अगरबत्ती लगाते रहें, भगवान की पूजा में ही लगे रहें। जिस आदमी को खुद पर विश्वास नहीं है वह भी नास्तिक होता है। वेद पुराणों के हिसाब से जिस आदमी को भगवान पर भरोसा नहीं वह नास्तिक है। लेकिन आज के ज़माने के हिसाब से, स्वामी विवेकानंद के हिसाब से, जिस आदमी को खुद पर विश्वास नहीं वह भी नास्तिक है। इसलिए खुद पर विश्वास करें, सहनशीलता लाएं, काम करने की कर्मठता लाएं, एक दिन आप अवश्य ही आगे बढ़ेंगे, आपको सक्सेस मिलेगी। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का लाभ ले सकें।